हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग व्हेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आज हम आपको चैप्टर 12 का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो थोड़ी टेक्निकल इशू की वजह से आज हम इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन करा पाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा और वीडियो देखते रहिएगा। सो यस, दिस इज़ योर्स एंड ओनली योर्स ब्यूटीफुल सा चैनल RM ऑलराउंडर। सो टुडे चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, हमने लेट किया कि एक प्लस Q1 चार्ज है, ठीक है, और दूसरा क्या है, माइनस Q2 चार्ज है। प्लस Q1 चार्ज माइनस Q2 चार्ज के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक। प्लस Q1 चार्ज माइनस Q2 चार्ज के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है रिवॉल्व करने का, यानी कितने देर में उसने रिवॉल्व किया, किसके अराउंड, माइनस Q2 चार्ज के अराउंड। चलिए देखते हैं, एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए पॉज करके। चलिए ट्राई करिए पॉज करके ट्राई करिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा पॉज करके। चलिए तो सॉल्व करते हैं। पहले तो इसमें देखते हैं दिया क्या हुआ है, हिंट छुपा होता है ना हर क्वेश्चन में, तो इसमें क्या हिंट है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको करना है तो उसके क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखना होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, एक सर्कल बना हुआ है और दो चार्जेस हैं अलग अलग नेचर के, तो दो हिंट तो मिल गए। पहला क्या, सर्कुलर मोशन, और दूसरा क्या, कि दोनों की पोलैरिटी क्या है, अपोजिट है, यानी कि अपोजिट पोलैरिटी। तो दो हिंट मिल गए। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये दोनों हिंट से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला क्या होगा, सर्कुलर मोशन क्या होता है, चलिए देखते हैं सर्कुलर मोशन क्या करता है। पहले तो सेंट्रीपेटल फोर्स देता है। सर्कुलर मोशन किसकी वजह से होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से होता है, ठीक। और सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, जो सर्कुलर मोशन को हेल्प करता है होने के लिए, ठीक। तो पहला हिंट तो ये हो गया। दूसरा क्या है, अपोजिट पोलैरिटी। अब अपोजिट पोलैरिटी से क्या होगा भाई, चैप्टर ही अपोजिट पोलैरिटी का है। क्या है अपोजिट पोलैरिटी, इसमें हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच, क्योंकि ये प्लस है ये निगेटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, अब दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों के बीच FATT लगेगा, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस सपोज करिए R है, ठीक। और सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ लगेगा, इधर से, तो एक फोर्स इधर की ओर एक फोर्स इधर की ओर, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल करते हुए लग रहे हैं, हाँ लग रहे हैं। तो पहला हिंट क्या था हमारा, सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv² / r। r क्या है, स्मॉल r। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, q1 q2 / r2। लेकिन उसके पहले यहाँ लिखना पड़ेगा क्या, कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू FATT, ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में है। तो चलिए देखते हैं mv² / r, इससे कैलकुलेट करते हैं, r से r जाएगा। अब v² की वैल्यू निकालते हैं, क्या हो जाएगा, k q1 q2 / m। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट k q1 q2 / m, ठीक है। एक वी की वैल्यू मिल गई। अब वी की वैल्यू से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, जरा सोचिए, निकालना क्या है, टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो टाइम पीरियड के जनरल फॉर्मूला क्या होता है, t = 2π / v, यही तो होता है t = 2π / v। वी की वैल्यू हमें पता है, टी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, t = 2π, और वी है यहाँ, तो वी अपॉन में और यहाँ भी डायरेक्ट है, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम अपॉन के q1 q2, ठीक है। अब इसको और अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा t² 4π² m / k q1 q2। टी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4π² m / k q1 q2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक, नोट करिए, नोट करिए।
चाहिए। आई होप आपने ये किया होगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या निकला? हमारा फॉर्मूला ये निकला। आप इस फॉर्मूले को और अच्छे से लिख सकते हैं। क्या क्या करेंगे हम ऐसा? हाँ, के की वैल्यू पुट कर देंगे। टी बराबर अंडर रूट 4π² इंटू एम। के की वैल्यू क्या है? 1/4π ε0 q1 q2। अब टी बराबर ये ऊपर चला जाएगा, ये 4π² में 4π मल्टीप्लाई हो तो 16π³ ε0 ऊपर चला जाएगा, ε0 m अपॉन 1/q2। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड रिलेशन। अब इसी पर IIT में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसी रिलेशन पर IIT में भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन क्या था उसके पूछने का? क्वेश्चन ये था कि अगर -3q चार्ज रिवॉल्व कर रहा है +3q चार्ज के अराउंड विद इन रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, विद इन रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो और मास बता देते हैं, हैविंग मास ऑफ अबाउट कितना दिया था उसने 4 दिया था, ठीक है। तो m की वैल्यू 4 थी, तो कुछ नहीं करना। इसी क्वेश्चन में कितने लोगों ने नहीं किया था, लेकिन ये क्वेश्चन कितना ईजी है, तुरंत हो जाएगा। सॉल्व करके देखिए जरा अपने से। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। t = √, कुछ नहीं करना, इसी पर वैल्यू पुट कर देंगे 16π³ ε0। m की वैल्यू क्या है? 4 अपॉन q1 q2 की वैल्यू क्या है? 3 3 3 3 कितना होता है? 9। 6 3 कितना होता है? 9। सॉल्व करते हैं कितना आएगा, 64 64 π³ ε0 y है। और जनरलाइज फॉर्म में क्या हो जाएगा? और जनरलाइज फॉर्म में क्या हो जाएगा? 64 या 64 था, 4√4 क्या हो जाएगा? π³ε0 3/2 / 3। तो ये था हमारा आंसर सेकंड का, ये था आंसर उसका रिक्वायर्ड। और ऑप्शन कौन सा था? ये ऑप्शन डी था। चार ऑप्शन इसमें मिले थे जिसमें से डी ऑप्शन ये था, ठीक है। तो ठीक है, टाइम पर तो निकल आए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप अब आइंदा से ये टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन आराम से हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।